जय माता दी। दुर्गा भवन के रूम टूर ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज के इस नए ब्लॉग में हम आपको पूरा दुर्गा भवन का रूम टूर देने वाले हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करते हैं और जिसका प्राइस 3400 रुपये रहने वाला है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दुर्गा भवन। तो अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि आपको कैसे कहाँ पर जाना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है और रूम का पूरा टूर इंटीरियर कैसा होता है, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। इसलिए इस ब्लॉग को आप सब ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि YouTube पे पहला ऐसा ब्लॉग होगा जिसमें आप सब घर बैठे पूरा दुर्गा भवन का अंदर का रूम इंटीरियर देखने वाले हैं। यहाँ पर फ्री धर्मशाला भी अवेलेबल है, जिसकी ब्लॉग्स हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए, लेकिन आज अब आपको दिखाने वाले हैं पूरा रूम, तो ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। माता दी, अब आप बैक कैमरे से पूरा दुर्गा भवन देखने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि कैसे कहां पर क्या रिपोर्टिंग करना पड़ता है, कैसे आपको रूम मिलते हैं, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। दुर्गा भवन में जैसे आप इंटर करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जो है इंक्वायरी एंड रिसेप्शन काउंटर इस तरफ है, तृप्ति भोजनालय इस तरफ है और सीढ़ियों के लिए आप इधर से भी दोनों जगह से जा सकते हैं। यह है तृप्ति भोजनालय, देख लीजिए आप, और यहाँ पर आपको वर्चुअल दर्शन करने का भी मौका मिल जाता है। सामने ही आपको नेस्ले और अमूल के जो है शॉप्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर आपको फ्री में जाना है ना, फ्री में रुकना है, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ से आपको फ्री में एंट्री मिलती है। रात को लगभग शाम को 7-8 बजे के आसपास रात में खुल जाता है, सॉरी शाम बोल दिया मैंने, कोई नहीं, आप मैनेज करेंगे। और चलिए अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारा तो रूम है तो हम आपको पूरा रूम टूर देने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से इंक्वायरी एंड रिसेप्शन काउंटर मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको एंट्री करना पड़ेगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर काफ़ी जो श्रद्धालु घर हैं वो यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। अगर आपका अटका आरती का बुकिंग भी है तो भी आपको यहीं पर आकर इंक्वायरी रिसेप्शन काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से आपको रूम्स के लिए स्लिप दिखाना पड़ेगा और वो आपको एकोमोडेशन अलॉट कर देंगे। फिर आपको ऐसे देखिए इधर जाना पड़ेगा, आप चाहें तो सीढ़ियों के सहारे चले जा सकते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप लिफ्ट के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो हम लिफ्ट के माध्यम से नीचे चलेंगे। तो अब हमने इंटर कर लिया है लिफ्ट में और हमको जाना है सेकेंड फ्लोर पर, क्योंकि हमारा जो रूम अलॉट हुआ है वो सेकेंड फ्लोर पे अलॉट हुआ है। तो हम सेकेंड फ्लोर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा हमें रूम मिला हुआ है, क्या उसका इंटीरियर होता है, सारी जानकारी आपको मिल रही है। और देखिए अलग ही व्यू है, इसमें लगभग जो है ना वो 13% रुक सकते हैं और वेट जो है 884 किलो का वेट इसमें है। इसमें चलिए सेकेंड फ्लोर पर हम एंटर कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। देखिए अभी हम फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं रूम्स के लिए और देखिए कितना नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, जो व्यवस्था है वो अलग अलग, देखिए रूम्स के नंबर है ना S208, इस तरह से रूम के यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए 209 210, इस तरीके से हैं। अब आगे जो है हमारा रूम है, तो फिलहाल हम जो है ना वो इधर जाते हैं और आपको बूफे दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पर रात को करीबन 8 बजे के आसपास तृप्ति द बूफे शुरू होता है। यहाँ पर आप आकर खा सकते हैं, जो भी आपको भोजन करना हो, जो भी चीज़ें खानी पीनी हो वो आप खा पी सकते हो। तो अब हम आपको अपना रूम टूर देने वाले हैं और हमारा रूम अलर्ट हुआ है दुर्गा भवन में S214 नंबर। सबसे पहले रूम को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मिरर देखने को मिलता है और इधर देखिए अलग से कवर्ड दिए हुए हैं, अपना जो भी एक्स्ट्रा आपका सामान है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 पानी की बॉटल मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप टी कॉफ़ी बनाने के लिए सारी सुविधा दी गई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो रूम हीटर है वो भी दिया गया है, डस्टबिन भी दी गई है, इसके साथ साथ टीवी की व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं LED टीवी लगा हुआ है। और ये देखिए बेड है, बेड देखिए काफ़ी कंफर्टेबल बेड है। और सामने ही माता रानी की तस्वीर भी है, जहाँ पे आप दर्शन कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छा जो है वो पहले रूम आप देख लीजिए, पूरा अल्ट्रा वाइड एंगल में हम आपको रूम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए बेड में ना इस तरह के व्यवस्था दिए गए हैं, ये देखिए आप बेड को ऐसे ओपन करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा जो है वो कंबल्स दिए गए हैं। इसको हम बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं इधर। तो इधर देखिए जैसे आप इसको खोलेंगे कवर्ड को, यहाँ पे भी आपको अपना जो भी क्लॉथ्स है वो रखने के लिए दी गया है व्यवस्था, और हैंगर्स भी दिए गए हैं। इधर से आप बंद करेंगे, ये भी आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हैं। इधर ये देखिए एक्स्ट्रा टेबल दिया गया है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है जो है सोफ़ा सेट, और इसे आप अपना बेड भी बना सकते हैं, इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो पूरा बेड बन जाएगा, देख सकते हैं डबल बेड आप इसे बना सकते हैं, मतलब ये 2 बेड बन जाएगा, तो टोटल 4 बेड इसमें हो जाएंगे। इधर जैसे आप हटाते हैं ना, ये देखिए तो सामने माता रानी के भवन के दर्शन हो रहे होंगे आपको, देखिए। और हम चाहें तो इसे ऐसे पूरा जो है
कर्टन लगा सकते हैं और ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह का पूरा इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इधर आपको चार्जिंग स्लॉट्स भी दिए गए हैं हर जगह पे। और ये लाइट देखिए कितना ब्यूटी लाइट ये दिया गया हमें देखने को। फैंस भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है। अब एक बार हम आपको वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम कैसा दिया गया है। तो वॉशरूम देखिए, सबसे पहले मिरर दिया गया है, इधर देखिए शावर दिया गया है, टॉवल्स देखिए, अलग अलग टॉवल्स भी हैं, हैंड टॉवल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए गीजर की सुविधा भी दी गई है और काफ़ी नीट एंड क्लीन पूरा वॉशरूम जो है वो हमें देखने को मिल जा रहा है। इस तरह का मिरर तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इधर हैंड वॉश करने के लिए भी यहाँ पर बेसिन दिए गए हैं और अलग अलग आपको सोप्स भी देखिए इधर दिए गए हैं। इस तरह से काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है। और ये देखिए हैंड, आपको आपका हैंड जो है वो अगर आपका गीला हो जाए तो आप उसे क्लीन करके पूरा वो कर सकते हैं। तो पूरा दुर्गा भवन का टूर हमने आपको दे दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें आपने पूरा दुर्गा भवन देखा हो। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं तृप्ति बुफे में और यहाँ पर आप देखिए कैश काउंटर है। अगर आपका बुकिंग होता है दुर्गा भवन में रूम का तो आपको जो स्लिप है ना वो यहाँ पे आके दिखाना पड़ेगा, जो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, उसके बाद वो आपको थाली अलॉट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर बुफे की सर्विस मिल जाती है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से सभी जो लोग हैं वहाँ पर अपना भोजन लेते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भोजन आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप आराम से बैठ के जो है वो फूड इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका बुकिंग नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको थाली का जो कॉस्ट है वो 175 रुपीज़ पे करना होगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये है तृप्ति द बुफे, जिसका देखिए कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रेकफास्ट का क्या कॉस्ट है पढ़ लीजिएगा और डिनर का क्या कॉस्ट है और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और इधर देखिए सारा आपको देखने को मिल जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है इसमें। तो आपको यहाँ पे मिलता है छोले, ये सांभर है, ये दलिया है, ये आपका हलवा है, और ये दही है, और ये है आपका जो है वो पराठे। तो ये आपको मिल जाते हैं, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। और डिनर और ब्रेकफास्ट का मैंने मेनू आपको दिखा दिया। तो ये पूरा सीन होता है। अब यहाँ देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आराम से जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना देखिए चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिलता है और ब्रेड भी है, अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और इधर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा भी दी गई है, हैंड वॉश के लिए भी इधर ही है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे आप इनको बताएंगे तो आपको ये जो है वो इस तरह से थाली देंगे और आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी चाहे वो ले सकते हैं। हमने सब आइटम आपको दिखाया कि क्या क्या सुबह के टाइम मिलता है। जय माता दी। हमने आपको पूरा का पूरा जो है वो बुफे दिखा दिया, जो तृप्ति बुफे है उसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं। और अब बात रही टेस्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगा दलिया काफ़ी बेस्ट था। और यहाँ पे देखिए चाय भी आपको मिलता है, चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन है, आप चाहें तो ले सकते हैं। विदाउट अगर आप बुकिंग के लिए भी आ रहे हो तो भी आप यहाँ पे आइए द तृप्ति बुफे में, और यहाँ पर आपको बुफे की तरह से हर प्रकार की अलग अलग भोजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए आशा करूँगा कि आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में हमने संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर दी। जय माता दी। तो आप सब ने इस ब्लॉग में पूरा दुर्गा भवन का रूम टूर लिया होगा और आपने देखा होगा कि आपको किस प्रकार से दुर्गा भवन में रूम मिलता है, उसके अंदर की क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कैसा इंटीरियर होता है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या मिलता है, अंदर बुफे का जो सर्विस दिया गया है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है, सुबह में ब्रेकफास्ट क्या मिल जाता है। तो ऐसे में आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। देखिए बुकिंग की बात की जाए तो मैंने आपको बताया भी है कि बुकिंग इसकी सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फिलहाल इसकी ऑफलाइन बुकिंग कहीं पर मिल नहीं रही है। लेकिन एक बार आप चाहें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं दुर्गा भवन में ना यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है, यहाँ पे आके पता कर लीजिए, अगर अवेलेबल होगा तो शायद वो आपको प्रोवाइड कर दें। डॉर्मेट्री के लिए भी आपको यहीं पर आकर पता करना होगा। मनोकामना भवन में जो डॉर्मेट्री मिलती है ना उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं जो है वेबसाइट के थ्रू, लेकिन इसकी बुकिंग आप अभी नहीं कर सकते। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए रूम टूर ब्लॉग में। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और माता रानी को याद करते रहिए। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी।